2024 की तैयारी कर रहे विपक्षियों का गणित। केजरीवाल इस मुद्दे पर दूसरे दलों के नेताओं का समर्थन मांग रहे। अपने अधिकार के लिए नवीन का समर्थन मांग रहे केजरीवाल। क्या होगा आगे? क्या केजरीवाल को मिलेगी संजीवनी? दिल्ली सरकार और केंद्र का झगड़ा पुराना है, लेकिन नए अध्यादेश के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस झगड़े में अब विपक्षी दलों की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों से केंद्र के नए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया और दिल्ली सरकार को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता अपने लिए सरकार चुनती है और अगर उस सरकार को काम करने ही नहीं दिया जाए तो इसका क्या मतलब। फिर केंद्र के आधे से अधिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने काट कर दिल्ली की जनता से चुनी हुई सरकार को दे दिया। फिर क्या था, दिल्ली की सरकार ने जश्न मनाया और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली और केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश को लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब इसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और हर तरफ एक ही बहस हो रही है और वो है, क्या मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पंगा ले लिया? और अगर ले भी लिया तो अब आगे क्या होगा? कुछ कानूनविदों की माने तो सुप्रीम कोर्ट इसे अब रद्द कर देगा तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? इसके जवाब में केंद्र सरकार को सलाह देने वालों का कहना है कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून में बदल दे, फिर सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल मोदी को हराने के लिए निकल पड़े हैं। खबरों की माने तो लोकसभा में मोदी को बहुमत है लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार कमजोर है। ऐसे में केजरीवाल अब नवीन पटनायक और जगन मोहन पर डोरे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मोदी सरकार के विरुद्ध वोट करें। लेकिन इन दोनों नेताओं का इतिहास कुछ अजीब रहा है और ये कभी भी केंद्र की सरकार के विरुद्ध नहीं गए, और अगर ये दोनों पार्टियां गई तो क्या होगा, इस पर केजरीवाल की खुशी और गम छिपे हैं और इसी को लेकर दांव पेच इस वक्त लगाया जा रहा है। अब हम बताते हैं कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा का गुणागणित क्या है। जहां तक लोकसभा की बात है तो एनडीए के पास यहां पर पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 110 है, मनोनीत सदस्यों की 2 सीट खाली है और इसे भरा भी जा सकता है। फिर यह 238 की प्रभावी संख्या के हिसाब से सदन में बहुमत से 8 कम है। बीजेपी को वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के समर्थन से घाटा पूरा करने की उम्मीद है। आंध्र के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक से समर्थन की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी इनसे बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। बीजेपी को भरोसा है कि दिल्ली सेवाओं पर अध्यादेश संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या है। बीजेपी ने अध्यादेश को दिल्ली के लोगों के हित में बताया है। विधेयक पर वोटिंग के लिए कांग्रेस को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर उसका स्टैंड क्लियर नहीं है। केजरीवाल की पार्टी से पूरी तरीके से कांग्रेस दूरी बनाएगी या उसका साथ देगी, ये देखना होगा। विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे नीतीश कुमार ने रविवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनका साथ देने की बात कही। नवीन पटनायक, जिनसे हाल ही में नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, अब देखना होगा कि वो क्या कुछ आगे फैसला लेते हैं। वहीं आगे ये भी देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार कानून लाती हैं तो राजनीतिक खेल क्या होता है। अगर केंद्र सरकार जीती तो मोदी का इकबाल बुलंद होगा, लेकिन 2024 से पहले अगर एक बार फिर से विपक्ष ने झटका दिया तो ये किसी सदमे से बीजेपी के लिए कम नहीं होगा।